हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा किचन मैजिक। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक, जो गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप सिर्फ एक बेस से चार डिफरेंट प्रकार के मोदक तैयार कर सकते हैं। मोदक बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम इंस्टेंट मावा तैयार करेंगे। सबसे पहले एक पैन को गैस पे रख देंगे, उसमें हम हाफ कप मिल्क ऐड करेंगे, डेढ़ कप यहाँ पे हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अभी हमें फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप मीडियम में हाई फ्लेम पे इसे मिक्स करेंगे तो ये इसमें लम्स पड़ जाएंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। हाफ कप हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे बिल्कुल ठीक होने तक कुक करेंगे और लगातार हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये बॉटम पे स्टिक ना हो, क्योंकि मिल्क पाउडर जो होता है बहुत जल्दी ही बॉटम पे स्टिक होने लगता है, इसलिए हमें इसे लगातार चलाते रहना है। और फ्लेम को हमें मीडियम टू लो ही रखना है। ये हमारे रेसिपी का टिप्स है। ये देखिए धीरे धीरे ये ठीक हो रहा है। अगर आपके पास मावा अवेलेबल है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे इंस्टेंट मावा बना के भी बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे 3 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे जो इसका फ्लेवर होता है और इनहेंस हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल ठीक हो चुका है। इस लेवल तक हमें इसे कुक करना है और लगातार हम इसे चलाते रहेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट पे हम ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए मावा हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट पे ट्रांसफर कर लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने इसे एक प्लेट पे निकाल लिया है और इसे बिल्कुल मैंने ठंडा कर लिया है। हम यहाँ पे चार डिफरेंट फ्लेवर के मोदक बना रहे हैं, इसलिए हम इसे चार भाग में डिवाइड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे चार बाउल लेंगे। अब हम डिवाइड किया हुआ मावा को चारों बाउल में रख देंगे कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इलायची वाला मोदक। तो इसमें हम 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम मोदक मोड़ लेंगे। इस प्रकार का मोदक का मोड़ आपको मार्केट में इजीली से मिल जाता है। इसे हम घी से ग्रीस कर लेंगे जब हम मोदक बनाए तो स्टिक ना हो। अब हम छोटा छोटा पोर्शन लेंगे, इसके अंदर हम इसे डाल देंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा है हम उसे निकाल देंगे। इसी तरह हम सारे मोल्ड में मावा को डाल देंगे। लास्ट वाले में हम थोड़ा सा पहले मावा ऐड करेंगे और बीच में हम होल बना लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह से हल्का सा हम प्रेस कर देंगे और ऊपर से हम फिर से इसमें मावा रखेंगे। इसे भी हम हल्का सा प्रेस कर देंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो निकाल देंगे। अब हम इसको ओपन करेंगे। ये देखिए हमारा इलायची फ्लेवर वाला मोदक बनके तैयार हो चुका है। इतना परफेक्ट और बहुत ही इजी तरीके से हमारा मोदक बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में रख देंगे। अब हम बनाएंगे केसर फ्लेवर वाला मोदक। तो सबसे पहले हम मावा लेंगे। इसमें 1 टीस्पून हम इसमें केसर का वाला मिल्क ऐड करेंगे। आधे घंटे पहले मैंने केसर के धागों को दूध में अच्छी तरह से भिंगा के रख दिया था। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सेम प्रोसेस से जैसे हमने इलायची वाला मोदक बनाया है वैसे ही हमें केसर वाला भी मोदक बना लेना है। ऐसे छोटा छोटा पोर्शन लेके हम सारे मोल्ड में मावा को ऐसे डाल देंगे। लास्ट वाले में हम थोड़ा सा पहले मावा ऐड करेंगे, फिर उसमें होल बना लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, ऊपर से हम थोड़ा सा मावा इस पे और डालेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा है हम इसे निकाल देंगे। ये देखिए हमारा केसर फ्लेवर वाला भी मोदक बनके तैयार हो चुका है। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम बनाएंगे बच्चों का फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर वाला मोदक। तो सबसे पहले हम मावा वाला बाउल ले लेंगे। 1 टेबल स्पून हम कोको पाउडर लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप डायरेक्ट मावा में कोको पाउडर ऐड करेंगे तो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता है। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसे मोल्ड में थोड़ा थोड़ा कोसन करके डालेंगे। लास्ट वाले में हम पहले थोड़ा सा डालेंगे, इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, टोटली ऑप्शनल है, चॉकलेट वाला मावा ऐड करेंगे। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा चॉकलेट फ्लेवर अभी मोदक बनके तैयार हो चुका है। इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम बनाएंगे रोज फ्लेवर वाला मोदक। तो हमने जो मावा बनाया था वो ले लेंगे और इसमें हम 1 टेबल स्पून रोज सिरप ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास रोज सिरप नहीं अवेलेबल है तो आप इसमें थोड़ा सा रोज एसेंस और थोड़ा सा पिंक कलर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे भी मोदक मोल्ड में ऐसे डाल देंगे हल्का सा प्रेस करते हुए। इसी तरह हम सारे मोल्ड में रोज वाला मावा जो है ऐसे डालते जाएंगे एक एक करके, और जो एक्स्ट्रा हम निकाल देंगे। लास्ट वाला हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट वाला, इसमें हल्का सा हम होल कर देंगे और उसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और ऊपर से हम रोज फ्लेवर वाला मावा ऐड करेंगे। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ये देखिए हमारा रोज फ्लेवर वाला भी मोदक बन के तैयार हो चुका है। दिख रहा ना कितना सुंदर सा प्यारा सा कलर आया है। अब हम 2 फ्लेवर को ऐड करके मोदक बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इलायची और चॉकलेट वाला फ्लेवर को ऐड करके मोदक बना रही हूँ। एक साइड हम इलायची फ्लेवर वाला हाफ ऐड करेंगे और दूसरे साइड हम चॉकलेट वाला हाफ ऐड करेंगे मोदक मोल्ड में, ताकि हमारे एक ही मोदक में 2 फ्लेवर का मजा आ जाए। ये देखिए हमारा इलायची और चॉकलेट फ्लेवर वाला भी मोदक बन के तैयार हो चुका है। इसे भी हम एक प्लेट पे निकाल देंगे। अब हम बनाएंगे रोज और केसर फ्लेवर वाला मोदक। हाफ हम रोज फ्लेवर वाला मावा मोदक मोल्ड में ऐड करेंगे, हाफ जो हम केसर फ्लेवर वाला भी मोदक इसमें ऐड करेंगे। जब आप खाएं तो इसमें आपको दोनों का फ्लेवर आए। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। रोज और केसर फ्लेवर वाला भी मोदक बनके तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके पास मोल्ड अवेलेबल नहीं है तो भी आप मोदक बना सकते। अब हम मावा लेंगे और इसे हम रोल करेंगे और मोदक का शेप दे देंगे, लेकिन हम इसे बिल्कुल परफेक्ट मोदक का शेप देने के लिए हम यहाँ पे फॉर्क से निशान बना देंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। मैंने पनीर मोदक की भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उस वीडियो में मैंने सारे मोदक विदाउट मोल्ड के बनाए हुए हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। आप देख सकते हैं हमारा विदाउट मोल्ड का भी मोदक बन के तैयार हो चुका है। लीजिए तैयार है गणेश जी का प्रिय भोग मोदक। हर दिन आप अलग अलग फ्लेवर वाला मोदक बना के उन्हें चढ़ाइए। होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।